बढ़ते कोरोना संक्रमण की चिंता के साथ साथ अब शहरवासियों के लिए बढ़ती मौतों का आंकड़ा भी डराने लगा है। शहर के वर्तमान हालात ये हो गए हैं कि मुक्तिधाम में शवों को जलाने की जगह भी कम पड़ने लगी है। उधर शहरवासियों को शव को सूरजपुर गेट बाहर स्थित हिंदू सेवा मंडल के शमशान घाट पर जलाने की चाहत के कारण वहां पर भी दबाव बन गया है। उधर शव की अंतिम यात्रा में शामिल लोगों के भी एक साथ शमशान घाट पहुंचने के कारण संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते बुधवार को एक भयानक मंजर सामने आया। जानकारी मिली है कि बुधवार को सूरजपुर गेट बाहर स्थित हिंदू सेवा मंडल के मुक्ति धाम पर 19 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि मुक्ति धाम पर केवल 18 शवों का एक साथ संस्कार किए जाने की व्यवस्था है। अचानक उपजे ऐसे हालातों को देखते हुए हिंदू सेवा मंडल के सदस्यों ने हाथों हाथ अस्थायी व्यवस्था कर शव का अंतिम संस्कार करवाया। बढ़ती मौतों के आंकड़ों के साथ साथ मुक्ति धाम में आने वाली भीड़ के कारण भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। वर्तमान में उपजे हालातों को लेकर हिंदू सेवा मंडल के कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश खिया ने बताया कि स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। अतः आमजन से अपील है कि सतर्क और सावधान रहे। खिया ने आमजन से अपील की है कि दिनों दिन बढ़ती मृतकों की संख्या में मुक्तिधाम पर बढ़ते दबाव को देखते हुए शहर के अन्य क्षेत्रों छावनी सेंधा रोड सहित अन्य शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार की रस्म निभावे ताकि दबाव को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि छावनी ऐसे शमशान घाट में लकड़ी की जरूरत हो तो सूरजपुर गेट ऐसे शमशान घाट से उपलब्ध करवा दी जाएगी। खिया ने मृतकों के परिजनों से भी अपील की है कि अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को चिंता को मुखाग्नि देने की पश्चात ही अपने अपने घरों की ओर लौटने का आग्रह करें ताकि शमशान घाट पर एकत्रित होने वाली भीड़ को कम किया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। साथ ही परिजन शाम तक अपने परिजनों की अस्थियां भी एकत्रित कर ले ताकि दूसरे दिन किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मंडल कोषाध्यक्ष घिया ने शहरवासियों से अपील की है कि मंडल दुख की इस घड़ी में उनके साथ है, लेकिन संक्रमण को देखते हुए ऐसी व्यवस्था बनाने की विनम्र अपील है ताकि अव्यवस्थाओं के कारण किसी भी शव को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं होना पड़े। उन्होंने शहरवासियों से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का आग्रह किया है। हिंदू सेवा मंडल सभी शहरवासियों की संपत्ति है तथा सभी की जिम्मेदारी बनती है कि पदाधिकारी और मेंबर्स के सहित सभी इसे स्वच्छ रखें। हिंदू सेवा मंडल में दाग करने की जगह में जहां पर दाग होते हैं 18 दाग हो सकते हैं। अभी दिनांक 28/4/21 को 19 दाग आ गए। ऐसी अवस्था में दाग के लिए इंतजार भी करना पड़ सकता है। सभी द्वारा सभी दाग देने वालों से निवेदन है कि अस्थियां दाग के रोज ही शाम को या दूसरे दिन सवेरे इकट्ठी कर लेना, क्योंकि दाग की अधिकता में 3 दिन तक रखने में दिक्कत आएगी तथा दाग के साथ आने वाले भी संख्या में कम से कम रहें ताकि व्यवस्था बनी रहे। यहाँ सभी की जिम्मेवारी बनती है दाग की अधिकतम में अगर किसी को छावनी स्थित शमशान नज़दीक रहने रहता हो तो दाग वहाँ पर कर देंगे। लकड़ी हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। सभी कोरोना काल में सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करावें। लजीज व उत्तम खाने का बेहतरीन रेस्टोरेंट जी हाँ, होटल राजमहल की नई पेशकश राजरानी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे गार्डन रेस्टोरेंट और ऐसे रेस्टोरेंट की बेहतरीन सुविधा के साथ खाने की उत्तम व्यवस्था में चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, साउथ इंडियन, मैक्सिकन, लेबनेस वे और भी अन्य व्यंजनों के साथ भोजन की एक से बढ़कर एक वेराइटियाँ। तो आज ही चले आए राजरानी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, होटल राजमहल, जोधपुर रोड, ब्यावर। फोन नंबर 01462224904224530। जे स्काई रेडीनेट फाइबर रन कोई भी कंपनी हमारी स्पीड का मुकाबला कर नहीं सकता।
हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, हाई क्वालिटी विद लो कॉस्ट वेरीफाई। Are you ready for J-Sky ReadyNet connection? Hello, sabka chut. Booking kijiye. Please contact. Hello, are you ready for J-Sky ReadyNet connection? That's right. There is two things fostered in the world. Number one, you know. Number two, J-Sky ReadyNet fiber broadband service. Yena raskala, aaj hi connection lagwana ji. J-Sky ReadyNet फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस, आज ही कनेक्शन लगवाइए और संपर्क कीजिए 9510 25302 9352 28 28 28।